Assalamualaikum guys, from the superseding platform of Hasan Coaching System, Safdar Tahir is here in your service and supreme cooperation. Lastly, जिस तरह हमने lecture में ये बात define की थी और assure की थी कि हम year 2021 में students CSS classes और IELTS classes की एक रिवाइज्ड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज उस रिवाइज्ड सेशन का पहला लेक्चर है सीएसएस के हवाले से। देखिए, सीएसएस प्रोग्राम में जहां हम इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करते हैं या करंट अफेयर टॉपिक्स की बात करते हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स की या डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर और टॉपिक हमें नजर आता है नाउअडेज, वो कोरोना डिजास्टर है। कोरोना डिजास्टर को आज हम थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमिक्स और अपने फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के मुताबिक थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे, उसकी कंपैरेटिव स्टडी है। अगर सीएसएस का स्टूडेंट कोरोना डिजास्टर के टॉपिक को तैयार करना चाहता है एक करंट अफेयर टॉपिक के हवाले से, तो उसे कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में बिठाने होंगे और उन पर वर्किंग करनी होगी, नॉलेज वाइज, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन वाइज, और फिर उसको एक जस्ट लाइक एसे उसको बाकायदा प्रिपेयर करना होगा, सिमेट्राइज करना होगा। इसमें स्टूडेंट पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। कोरोना सबसे पहले इस ग्लोबल वर्ल्ड में पहले कौन से मुल्क में एंटर होता है, वहां उसके क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, उसके नॉमिनल या बेसिक इनिशियल लेवल पे इफेक्ट्स क्या होते हैं, पहली चीज तो स्टूडेंट ये देखने वाली है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं इंडक्शन की तरफ कि यह कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता एक मेजर कंट्री यानी चाइना की मैं बात कर रहा हूं, वहां से एक सुप्रीम पावर की बात कर रहा हूं, वहां से रोटेट करता हुआ, ट्रेवल करता हुआ कहां कहां पहुंचता है और एग्जिस्ट करता है, और कौन से वो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जहां जाकर वो सबसे पहले अपने इफेक्ट्स को जो है वो ब्लास्ट करता है या प्रोवोक करता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज द इफेक्ट्स, कि व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ कोरोना डिजास्टर। अब ये इफेक्ट्स आप कंट्री वाइज भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट इकोनॉमीज वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे इकोनॉमी फाइनेंशियली, मॉरली, ठीक है, और इकोनॉमिकली कहां स्टैंड करती है, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख सकते हैं लास्ट ईयर से लेके अब तक के। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पॉपुलेशन डेथ। किस मुल्क में कितनी अमवात होती हैं कोरोना डिजास्टर की वजह से, और उन डेथ्स को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती है, क्या क्या एसओपीज मेंटेन करती है, ये तमाम चीजें भी जेरे बहस होंगी, जेरे गौर होंगी। इसी तरह जब आप कोरोना डिजास्टर के टॉपिक की स्टडी कर रहे होंगे, उसकी रिसर्च कर रहे होंगे सीएसएस करंट अफेयर टॉपिक के तौर पर स्टूडेंट, तो आपको देखना होगा कि इकोनॉमी वैलिडिटी, कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो कोरोना डिजास्टर के आने की वजह से कितने टाइम पीरियड के स्पैन में या टाइम स्पैन में वो बिल्कुल डीवैल्यू हो गई, डिक्लाइन कर गई, ठीक है, अपने कर्जे माफ करवाने लगी, या फिर जो उनका एक डेफिसिट बजटिंग फाइनेंसिंग एक रेशो थी, एक फिगर की, वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसलोकेट हो गया, ये चीजें देखने वाली है। इसी तरह इंटरनेशनल रिबेट्स जो आपकी एशियन कंट्रीज हैं, एशियन बेल्ट्स हैं, साउथ बेल्ट्स हैं, दरमियान में यूएई का एक कॉर्नर है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर है, वहां पर इंटरनेशनली जो ट्रेड की जा रही थी वहां पर कौन कौन सी रिबेट्स किस किस मुल्क को दी गई और कितने टाइम पीरियड पर दी गई और उसके बिहाइंड क्या कंडीशंस रखी गई स्टूडेंट्स, ये भी चीजें देखने वाली हैं। इसी तरह वैक्सीन एंड परसुएशन, अब जब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और मुख्तलिफ ममालिक को दी जा रही है, कुछ ममालिक उसके लिए 100% पे कर रहे हैं, कुछ ममालिक को वो सब्सिडाइज कर दी गई है, कुछ को एज अ क्रेडिट दी गई है,
कुछ को जो है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के स्पैन में डालकर दी गई है। तो हमें एज अ स्टूडेंट, हमें एज अ रिसर्चर देखना यह होगा कि वो वैक्सीन और उसकी फैसिलिटेशन को किस तरीके से इजी बनाया गया है, उसकी अवेलेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर किया गया है, और जो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है वो किस किस इकोनॉमी और किस किस मुल्क के अंदर अपनी अहमियत आप रखती है। ये तमाम जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए हैं इन शेप ऑफ पॉइंट स्टूडेंट्स, इन्हें समझिए, इन्हें पढ़िए, इंटरनेट से देखिए, न्यूज़पेपर से देखिए, इंटरनेशनल गॉसिप कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिसिज्म के तौर पर देखिए, जितने भी एनालिस्ट हैं उनके ओवरव्यूज, रिव्यूज और व्यूज के मुताबिक देखिए। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका नॉलेज अपग्रेड होगा और आप इस करंट अफेयर टॉपिक के बारे में जानेंगे। खुद से नोट्स बनाएं, अपने की नोट्स बनाएं और उन की नोट्स की मदद से आप अपने हैंडआउट्स तैयार करें। उम्मीद है आज के हमारे फर्स्ट CSS के रिवाइज लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हों, आप हसन कोचिंग सिस्टम के पैनल पर हमें हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जरूर बताएंगे। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का रिलायबल आंसर आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए सफदर ताहिर को इजाजत दीजिए, अपना और अपने गिर्दोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया, वस्सलाम।